अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की स्टूडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 24 की डिस्कशन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकेंड थिंग इज दैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो। फॉल आप लोगों के पास जो MCQ 1 है, कहता है द प्रोसेस दैट हैज़ ट्रांसफर्ड द लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू वास्ट डाइवर्सिटी। सो बेसिकली द गिवन स्टेटमेंट इज द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू में कहता है कि कार्लस जीनियस वॉज द बिलीवर ऑफ, तो बेसिकली कार्लस जीनियस वॉज द बिलीवर ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थ्री में कहता है कि प्रोकैरियोट्स आर कंसीडर्ड टू बी इवॉल्व, तो बेसिकली मेरे पास ये 3.5 बिलियन ईयर्स हो गए हैं इस बात को, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर में कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लेमार्क थ्योरी, हमारे पास लेमार्क थ्योरी ने हमारे पास यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बताया था, जिसमें उसने जराफा और पाइथॉन्स के लोअर लिम्स की बात की थी, और इसने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात की थी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट बोथ ए एंड बी। फाइव में कहता है कि हु डेवलप अ थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन एसेंशियली आइडेंटिकल टू द डार्विन, तो बेसिकली हमारे पास अल्फ्रेड वेलेस ने जो है वो हमारे पास थ्योरी डेवलप की थी नेचुरल सिलेक्शन की, विच इज़ ऑलमोस्ट एसेंशियली आइडेंटिकल टू द डार्विन थ्योरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिक्स में कहता है न्यू डार्विनिज्म हैज़ एंटीकेटेड डिस्कवरीज एंड आइडिया फ्रॉम, तो बेसिकली उसने एक आइडिया लिया था टैक्सोनॉमी से, पैलेंटोलॉजी से, जेनेटिक्स से, और भी चीज़ें हैं आपकी बुक में, आप लोग उनको देख लो, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ दिस। सेवन में कहते हैं द एक्चुअल रिमेन्स आर द ट्रेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड इन द एंशियंट जियोलॉजिकल टाइम्स, तो उनको हम लोग जो है वो फॉसिल्स कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एट में कहते हैं कि मोस्ट फॉसिल्स आर फाउंड इन, हमारे पास की जो फॉसिल्स होते हैं ये मोस्टली सेडिमेंट्री जो है वो रॉक्स पर प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाइन में कहते हैं कि विच स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट, आप लोगों के पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक, ये बात बिल्कुल ठीक है। बी में कहता है एनालोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक, नो दिस स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। आपका टास्क यह है कि आप इस स्टेटमेंट को करेक्ट करके कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ। सी जो है वो ऑप्शन, उसमें कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर द आर्म्स ऑफ द मैन, फोर लिम्स ऑफ द कैट, फ्लिपर्स ऑफ द व्हेल, ये बात भी ठीक है। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर द विंग्स ऑफ द बैट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, बाकी तीनों ऑप्शन ठीक हैं, ऑप्शन बी जो है वो इनकोरेक्ट है। आपका टास्क यह है कि आप लोग जो हो मुझे इस ऑप्शन को करेक्ट करके कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताओ, और ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, सॉरी चारों, ये सेपरेटली भी आप लोगों से MCQs में पूछी जा सकती हैं कि आप लोग बताओ कि होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, या होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स, एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स, तो इस तरह से आप लोगों के पास ये MCQs सेपरेटली भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 में कहते हैं एनालोगस ऑर्गन्स शोज, हमारे पास जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, और हमारे पास जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, सो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। 11 में कहते हैं द रैंडम चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी इज, तो उसको हम लोग बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ 12 में कहते हैं अडॉप्टेशन दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स बाय इट्स ओन एक्शन, अब यहाँ पर कहते हैं कि बाय इट्स ओन एक्शंस, मतलब कि हेरिटेबल नहीं होगी, ठीक है, नॉट हेरिटेबल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 13 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग थ्योरम फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स एंड जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन जीन पूल रिमेन्स, तो हमारे पास वो कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय द एजेंट्स अदर देन द सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, हमारे पास ठीक है वो कांस्टेंट होती हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 14 में कहते हैं द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द ऑल चेंजेस इज, तो बेसिकली ये म्यूटेशन ही है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अल्टीमेट सोर्स चेंजेस का एवोल्यूशन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 15 में कहते हैं चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील एट अ लोकस दैट अकर्स बाय चांस, तो उसका हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 16 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स सर्व नो अपेरेंट पर्पस, जिन ऑर्गन्स का हमारे पास कोई पर्पस ना हो तो उनको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैड रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ द डोमेस्टिक डॉग्स एंड पिजन्स, मीन्स हम लोग देखो अपनी मर्जी के जो है वो डिफरेंट ब्रीड्स करवा रहे हैं, डोमेस्टिक डॉग्स और ये पिजन वगैरह वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बेसिकली आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अपनी मर्जी के कर रहे हैं ना प्रोड्यूस। 18 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मैन, हमारे पास अपेंडिक्स, कॉगिक्स और अपने पास है जो ये आईज की ये मेम्ब्रेन होती है, इनका कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन
डी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस, ये सारे हमारे पास जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। 19 में कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय, तो बेसिकली वो एरिस्टोटल ने जो है वो फर्स्टली हमारे पास एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू 20 में कहते हैं इफ़ यू कंसीडर द हार्डे वेनबर्ग लॉ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन इट्स सेंस। देखो हमारे पास हार्डे वेनबर्ग थ्योरम जो है वो कहता है कि हमारे पास जो म्यूटेशन होती हैं ये कॉज करती हैं चेंज इन द जेनेटिक फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन बी में कहते हैं माइग्रेशन चेंजेस द एलील फ्रिक्वेंसी, ये बात भी ठीक है, और हमारे पास देयर शुड नॉट बी सच द सिलेक्शन, ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी हमारे पास है वो ये वेनबर्ग थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं है। ये कहता है कि हमारे पास नॉन रैंडम मेटिंग विल रिड्यूस द चांस ऑफ एवोल्यूशन, तो वो रिड्यूस नहीं करती, ठीक है, स्टिल चांसेस होते हैं, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। 21 में कहते हैं द फोर्स दैट इनिशिएट्स द एवोल्यूशन, तो उसका हम लोग वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो एवोल्यूशन के प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट करती है या इनिशिएट करती है, बेसिकली वेरिएशन हम लोग चेंजेस को कह रहे होते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 22 में कहते हैं डैश द वेस्टिजियल ऑर्गन, आप लोग के पास यहाँ पर जो वर्मिफोरस अपेंडिक्स है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 23 में कहते हैं द अर्लीस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड अमंग द फॉलोइंग इज, आप लोग के पास जो कैम्ब्रियन वो जियोलॉजिकल टाइम है वो अर्लीस्ट जो है वो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड जो है वो कंसिडर किया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 24 में कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ द होमोलोगस ऑर्गन्स, आप लोग के पास यहाँ पर आर्म्स ऑफ ह्यूमंस एंड विंग्स ऑफ द बर्ड्स, ये होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, बाकी ये जो ऑप्शन बी और सी में चीज़ें मैंशन है ये एनालोगस ऑर्गन्स की एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 25 में कहते हैं ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज वाज रिटन बाय, तो हमारे पास ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज हमारे पास है वो ये चार्ल्स डार्विन ने जो है वो ये बुक लिखी थी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26 में कहते हैं विच वन इज यूज फॉर डूइंग वेदर आर नॉट अ पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग, तो हम लोग जो है वो हार्डे वेनबर्ग इक्वेशन को यूज़ करते हुए चीज़ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन जो है वो इवॉल्व हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 27 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू द डिवेरिस थ्योरी एवोल्यूशन इज, तो डिवेरिस थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो एवोल्यूशन है ये जर्की और डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट बोथ ए एंड बी। 28 में कहते हैं म्यूटेशंस मे बी डिस्क्राइब्ड एज, हमारे पास बेसिकली म्यूटेशन जो होती है ये डिसकॉन्टीन्यूस जेनेटिक वेरिएशन होती हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 29 में कहते हैं द थ्योरी ऑफ द यूज़ एंड डिसयूज़ वाज गिवन बाय, तो बेसिकली हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर गए हैं कि हमारे पास यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन्स या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की थ्योरी हमारे पास ये लेमार्क ने दी थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 30 में कहते हैं द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज इज बेस्ड अपॉन द सम टोटल ऑफ द एडॉप्टिव चेंजेस प्रिजर्व्ड बाय, देखो हम लोग जो एवोल्यूशन होती है स्पीशीज़ की ये बेस करती है, ठीक है, वास्ट टोटल ऑफ द एडॉप्टिव चेंजेस प्रिजर्व्ड बाय आइसोलेशन, हम लोग उनको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, तो उनके सम ऑफ एडॉप्टिव चेंजेस पर जो है वो ये बेस कर रही होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 31 में कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट इज एन अकाउंट ऑफ, तो बेसिकली इट इज़ एन अकाउंट ऑफ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 32 में कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विदाउट, तो हमारे पास जो सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन होती है ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो डेवलप करती है विदाउट जियोग्राफिक बैरियर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 33 में कहते हैं क्विक चेंज इन द फिनोटाइप इन अ स्मॉल बैंड ऑफ द कोलोनाइजर्स इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग बेसिकली फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन ये सारी एमसीक्यूज है वो बुक की लाइंस है, ठीक है, तो आप लोग बुक की लाइंस को रट लो बायोलॉजी के लिए। 34 में कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फाउंड इन, तो बेसिकली हमारे पास ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है इट इज़ फाउंड इन द स्मॉल पॉपुलेशन विद और विदाउट द म्यूटेटेड जीन्स, ठीक है, ये स्मॉल पॉपुलेशन पर होती है, इसमें म्यूटेटेड जीन्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 35 में कहते हैं लेमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज यूजुअली नोन एज, तो उसका हम लोग बेसिकली इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 36 में कहते हैं स्पीशीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज इज नोन एज, तो उसका हम लोग जब वो एलोपैट्रिक वो स्पीशिएशन कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 37 में कहते हैं कि विच इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ द मैन, हमारे पास जो थर्ड मोलर होता है कॉगेक्स और सेगमेंटेड मसल होता है एब्डोमेन, हमारे पास ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, लेकिन नेल्स हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। अब आप लोग बताओ कि नेल्स का फंक्शन क्या है, ये क्यों वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, ठीक है। 38 में कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, हमारे पास जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है ये सिर्फ हमारे पास स्मॉल पॉपुलेशन में होती है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं प्रीवियस एमसीक्यू में। 39 में कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज इलस्ट्रेटेड बाय, हमारे पास जो डॉग फिश एंड वेल है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और जो ये ऊपर है रैट एंड डॉग बैक्टीरियम एंड द प्रोटोजोआ स्टार फिश एंड द कटल फिश, ये हमारे पास है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रही है।
Photomimicry is the process by which the individuals that have the beneficial characteristics for the reproduction in a specific environment and can produce more offspring, those ko hum log kya kehte hain? Natural selection kehte hain. Option B is correct. So, ye tha aap logon ke paas chapter number 24, evolution. Umeed hai ki aap logon ne isme se kafi kuch seekha hoga. Still, agar aap logon ke question wagaira hai to aap log comment section ke andar pooch sakte ho. Thank you.